खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट वियाड़ी से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौजूम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डायमंड जुबली के सिलसिले में वियाड़ी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दानीवाल में तकरीब मुनक्कद की गई, जिसकी सदारत सीईओ एजुकेशन मलिक अब्दुल हमीद डोगर ने की। तकरीब से खिताब करते हुए सीईओ एजुकेशन ने कहा कि पाकिस्तान को मर्ज वजूद में आए हुए 75 साल हो चुके हैं, हमें अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का भरपूर अंदाज में इजहार करना चाहिए, जबकि अपनी नई नस्ल को जदोजहद आज़ादी और तरीके पाकिस्तान से आगाही देना होगी, ताकि उन्हें पता हो कि कितनी कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया गया। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मियां नईम आसम ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया था, जबकि वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि हम इसकी तमीर और तरक्की में अना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने वतन की हिफाजत के लिए हर दम तैयार रहना चाहिए, ताकि दुश्मन कभी भी हमारी पाक सरजमीन की तरफ मैली आँख से ना देख सके। तकरीब में तुलबा तालबात ने मिली नगमे और टैबलो भी पेश किए, जिस पर हाजरी ने खूब दाद दी।